सुनना बेटा, मेरे काम कर देगा? जी हाँ पापा, क्यों नहीं, आप बोलिए। वो जो मिष्टी बोधी है ना, उसका घर में मैं अपना चश्मा भूल आया, जरा लेके आएगा? क्या पापा, आपको तो पता है मुझे उनका घर जाना एकदम पसंद नहीं है, हमेशा किसी ना किसी का बुराई करता ही रहता है। छोड़ो ना बेटा, लोगों का काम ही है कहना। अगर तुम हर एक बात को दिल पे लेते रहोगे तो इस शहर में चैन से नहीं रह पाओगे। और ऐसे भी मिष्टी बोधी तुम्हें बहुत प्यार करता है ना? हाँ, पर उनका दिखावे का प्यार पर मुझे संदेह होता है, और उनका हर एक बातें मुझे बनावटी सा लगता है। छोड़ो ना बेटा, अब तुम्हें इसी सोसाइटी के साथ ही जीना पड़ेगा। अगर तुम कुछ बोलना चाहोगे उनके खिलाफ तो ये सोसाइटी तुम्हें छोटी मुंह बड़ी बात के नारे लगाकर तुम्हें चुप करा देंगे। या तो रेपिस को समय पर सजा नहीं मिलती और तुम बुराई करने वालों की क्या उखाड़ लोगे? इससे अच्छा है तो तुम कुछ ना ही कहो। और अब जाओ भी, मेरा चश्मा लेके आओ। हाँ ठीक है पापा, मैं लाता हूँ। नहीं, आंटी, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बिजी था इसलिए इतना दिन आ नहीं पाया। और पापा कह रहे थे उन्होंने अपना चश्मा भूल गया आपके घर पर, आप वो मुझे लौटा दीजिए, मुझे थोड़ा सीमा के घर में भी जाना है और कुछ नोट्स भी लाना है। शुरू हो गया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बोलिए आप क्या बोल रही थी। मतलब वो जो सीमा है ना, उसके साथ इतना मौत मिलो तुम। विश्वास हाँ? ऐसे क्यों आंटी? कर भी ना तू, कल मैं जब बाजार गई तो मैंने देखा वो एक छोटी सी पैंट और छोटी सी टॉप पहनकर बाजार में घूम रही थी, उससे अच्छा कुछ ना ही पहनती। और तुम ही बताओ, ट्यूशन में इतना सास दोस्त कर कौन जाता है? ट्यूशन में जाता है, पार्टी करने जाता है, सारा मूड खराब कर दिया मेरा बाजार जाकर। उसकी ड्रेस के साथ आपकी मूड का क्या रिश्ता है? हाँ ना, उसके साथ और 5-6 लड़के थे, और जिसके साथ वो ना छू छू कर बातें कर रही थी, और वो जो मेरा फ्रेंड है ना शीला, वो हाँ, शीला आंटी। मुझे बोल रही थी देखो देखो कैसा बेशरम लड़की है, अब मैं उसे कैसे बताऊँ वो मेरा पड़ोसी है। आपको उसे अपनी पड़ोसी बोलने में भी शर्म आ रही थी? सीरियसली? और तुम्हें पता है वो जो 4-5 लड़के हैं वो उसके घर पर भी आते हैं। छी 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 छी, वो तो गोली का नाम भी डुबाएगा। मेरे भी तो 5-6 लड़की दोस्त है, मैं भी उनके घर जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे गाधा, तू तो लड़का है, तेरा तो उम्र है ये सब करने का, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? ये कैसे बात हुआ? अगर एक लड़का एक लड़की दोस्त बनाए तो जवान, और एक लड़की एक लड़का दोस्त बनाए तो बदनाम। अरे बाबा, तू तो मेरा बात ही नहीं समझता। अच्छा सुन, वो परसों का ही बात है, जो सीमा है ना रात 2 बजे घर आई, वो भी एक लड़के के बाइक के पीछे बैठ कर। तो कल भी तो आपका लड़का 12 बजे पार्टी करके आया था। अरे बुद्धू, वो तो लड़का है, जवान है, लड़की का बात अलग है ना बाबू। ओह, एकदम सही बोला आपने। और वो उसका भाई से सैनिटरी पैड मंगाता है, को बोलो कोई अपना भाई से सैनिटरी पैड मंगाता है क्या? तो उसका भाई मना नहीं किया? नहीं, एकदम मना नहीं करता है भाई, तू भी एकदम बेशरम है। मेन बात क्या है तुमको पता है, उसका जो माटू है ना वो बहुत चंचल था, हमारे साथ पढ़ता था ना, इसलिए हमको मालूम है जिस घर में माँ चंचल है उस घर में बच्चा कैसे अच्छा होगा। ओ, उसका मम्मी के लिए हो रहा है ये सब। हाँ बाबू, अब तुम हमारा बात को ठीक से समझ पा रहा है, जमाना तो हमारा ही ठीक था जब 15-15 साल में शादी हो जाता था, और वो रीमा की बड़ी बहन सीमा 25 साल की हो चुकी है, अभी तक शादी नहीं हो रहा है, बोलता है एमए करेगा बीए करेगा। अरे एमए बीए करके क्या मिलेगा, बुढ़ी हो जाएगी तो कौन शादी करेगा, बोलो कौन शादी करेगा। और उसको पता नहीं जिस घर में पत्नी चाकरी करती है वो संसार ध्वंस हो जाता है। लेकिन आप तो अपनी बेटी को आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहती है ना? हाँ, तो मेरी बेटी ससुराल जाके क्यों सबसे नीचे रहेगी, और खूब पैसा कमाएगी और जमाई से नीचे नहीं रहेगी। लेकिन मेरी जो बहू आएगी ना वो चाकरी नहीं करेगी, क्योंकि वो जो चाकरी करेगी तो संसार में अशांति होगी। खुद की बेटी नौकरी करेगी और दूसरों की बेटी ससुराल का काम, ये बात कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अरे बाबू, अब हम तुमको क्या बताएं, हमको तो तुमको बोलने में भी लज्जा लगता है। वो जो सीमा है ना उसका ना किसी लड़के के साथ जरूर चक्कर है, वरना क्यों शादी नहीं कर रहा है। अरे हम खुद 4-5 रिश्ते लेके गई, बोलता है बुड्ढा है,
सुंदर नहीं है। अरे सुंदर से क्या करेगा रे, पैसा से ही तो मतलब है। लगता है लव मैरिज करेगा, लव मैरिज करेगा और पारा का इज्जत डुबाएगा। आपका बेटा का अभी तो 3 साल का चक्कर है। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आपका बेटा तो लड़का है, जवान है, अभी उम्र है ये सब करने का। गलती आपका नहीं है, गलती हम लोगों का है जो आप लोग जैसे को हम बोलने का मौका देते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात करता है। हाँ, इसी बात के लिए हम आज तक चुप हैं, क्योंकि हम तो छोटे हैं और हमें तो कुछ बोलने का हक ही नहीं है। हम छोटे आप बड़ों को जैसे रेस्पेक्ट करते हैं, काश आप भी उन लड़कियों को ऐसे ही रेस्पेक्ट कर देते तो आज इस समाज की सभी लड़की निर्भय होकर जी। यहाँ दुकान से शराब लाना और सिगरेट लाना तो मर्दानगी का काम होता है, लेकिन एक भाई अपनी बहन के लिए सैनिटरी पैड खरीदने जाए तो उसे शर्मनाक चीज कहते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। इस समाज में दो तरह के तराजू होते हैं, एक जिसमें हम सामान नापते हैं और दूसरा जो लड़कियों का ड्रेस का साइज नापकर उसका कैरेक्टर बता दी जाती है। हमारी बहनें भूतों से उतनी नहीं डरती जितनी आप जैसे दरिंदों की जुबान से डरती है। या अरेंज मैरिज तो लड़की का खिलाफ होता है, लेकिन लव मैरिज करना गुनाह है। या लड़कियों को घर में जिस तरह से नियम आचरण सिखाई जाती है, अगर उसी तरह उन लड़कों को भी संस्कार सिखा देते तो आज इस देश में रेप जैसी घिनौनी कार्य कभी नहीं होती। असल में छोटी उनकी कपड़े नहीं, छोटी आप जैसी दरिंदों की सोच होती है। या इस समाज में एक लड़का अगर 5 लड़की के साथ बात कर ले तो वो स्मार्ट, अगर उसी तरह एक लड़की 2 लड़के के साथ हंसकर बात कर ले तो वो बर्बाद। वारे समाज, वाह। देखो आकाश बाबू। नहीं 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 नहीं, सुनिए, आज सुनने की क्षमता रखिए। यहाँ लड़के देर रात तक पार्टी करे तो वो इंडिपेंडेंट, उसी तरह अगर एक लड़की 10 बजे भी घर आए तो वो बदचलन। और हमारे समाज में एक अद्भुत सोच है, यहाँ 20 साल की लड़की की अगर शादी नहीं होती तो वो बुढ़ी कहला दी जाती है। यार उसी समाज में 50 साल की पॉलिटिशियन को युवा नेता भी कहलाता है। अच्छा, क्या आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? इस देश को 73 साल हो चुके आजादी के, क्या आप आज भी आजादी के आनंद उठा पा रही है? देखो आकाश बाबू, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, हमें तो समाज के साथ ही चलना पड़ेगा ना। आज लड़कियां इसलिए पीछे है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेंगे। अरे आंटी, उस समाज में से आप भी एक है। यहाँ कुछ लड़कों को लक्ष्मी जैसी पत्नी तो चाहिए जो घर में रहे, घर का सारा काम काज करे और घर से बाहर ना निकले। तुम्हारे पास नारायण जैसी क्या गुण है? या कुछ लड़के मेरे हाँ में हम तो जरूर मिलाएंगे, लेकिन वही लड़के होली के वक्त लड़कियों को गाल में रंग लगाने के बजाय गलती से कहीं और लगा देंगे। लड़को, उन लड़कियों के अंदर अपनी बहन देखो, कसम से गलती कभी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़का खराब है, लेकिन सबको अपनी तरह से जीने का मौका दीजिए, उनको भी जीने का हक है। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। शुक्रिया, जय हिंद। Cheers.